वेलकम टू एलिश बेकस्ट्री एंड फूड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मलाई बोटी रोल और मलाई बोटी समोसा की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और क्विक रेसिपी है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें। इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। यहाँ पे एक बॉल में मैंने चिकन ले लिया है, बोनलेस चिकन है 200 ग्राम्स। इसमें डालूंगी ग्रीन चिली पेस्ट 1 टेबल स्पून, गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, दही डालेंगे इसके अंदर 3 टेबल स्पून। यहाँ पे हैवी क्रीम यूज़ कर रही हूँ मैं 3 टेबल स्पून। एक व्हिपिंग क्रीम होती है, व्हिपिंग क्रीम नहीं है, हैवी क्रीम जो होती है, बलाई जिसे कहते हैं, ये वो है। नमक जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून, गरम मसाला डालूंगी यहाँ पे 1/2 टीस्पून, कुटा धनिया 1 टीस्पून, हल्दी थोड़ी अबाउट टू 1/8 टीस्पून। अब सारे मसालों को चिकन के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्स हो गए हैं, अब इन्हें हम 15 मिनट के लिए एक साइड पर रख देंगे। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। 15 मिनट के बाद एक पैन में ऑयल लेंगे 2 टेबल स्पून। इसमें अपना मैरिनेटेड चिकन ऐड करेंगे और सारे मसाला जो पेस्ट है इसका, वो भी हम इसी में ऐड कर देंगे। अब चिकन को ऑयल के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसका ऑयल थोड़ा साइडों पर रह जाता है क्योंकि इसके अंदर भी क्रीम डली हुई है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको कुक करेंगे हम 5 मिनट्स के लिए, ताकि जो चिकन है वो गल जाए। 5 मिनट के बाद इसका जो थोड़ा बहुत पानी होगा वो भी हम खुश कर देंगे। चिकन हमारा रेडी हो गया है, अब इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, फिर इसकी फिलिंग करेंगे। अब यहाँ पे मैदे का पेस्ट बना लेंगे। मैदे का पेस्ट बनाने के लिए मैंने मैदा लिया यहाँ पे 1 टेबल स्पून, और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। अब इस पेस्ट को रोल पट्टी के चारों किनारों पे अप्लाई करेंगे। इस तरीके से रोल बनाना बहुत ही ईजी है। अगर कोई पहली दफ़ा भी कुकिंग कर रहा है और वो इस तरीके से रोल फोल्ड करता है तो वो परफेक्ट रोल बना लेगा। अब इस तरीके से मलाई बोटी रख देंगे। आपको जितनी पसंद हो आप उतनी ज़्यादा इसकी फिलिंग करें। साइड से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और ये बहुत ही सिक्योर रहेगा, बहुत ही इजी रहेगा बनाना। इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। और फोल्ड की हुई साइड्स पे भी थोड़ा सा मैदे का पेस्ट अप्लाई करेंगे और इस तरीके से इसको हम फोल्ड कर देंगे। एक आती है जो स्क्वायर शेप में रोल पट्टी होती है, ये उससे नहीं बनती, थोड़ी सी जो लंबी आती है रोल पट्टी, उसके रोल इस तरीके से बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। इसी तरीके से हम अपने सारे रोल तैयार कर लेंगे और आप इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं किसी एयर टाइट कंटेनर में या पॉली बैग में महीनों के लिए फ्रीज करके। रोल्स को फ्राई कर लेते हैं। डीप फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे, हल्के गरम ऑयल में या घी में, जिसमें आप करना चाहें, ताकि ये अंदर तक एक जैसे पकें और इनका क्रंच बहुत ही बैलेंस रहेगा अगर आप हल्के गरम ऑयल में इसको फ्राई करेंगे। और इसको थोड़ा थोड़ा सा चलाते जाएंगे ताकि ये एक जैसे गोल्डन हो। तो अच्छा प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। तो अब रोल्स को निकाल लेते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से उसका कलर देखकर निकाल सकते हैं, अगर आपको लाइट गोल्डन अच्छे लगते हैं या थोड़े डार्क अच्छे लगते हैं, जैसे आपको पसंद हो उतना फ्राई करके निकाल लें। यहाँ मैंने समोसा पट्टी ले ली है, इसके किनारों पे मैदे का पेस्ट अप्लाई करेंगे एल शेप में। इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे कि ऊपर की साइड पे एक रेक्टेंगुलर शेप बन जाएगा, और फिर इस तरीके से इसको फोल्ड करना है और इस तरीके से रख के इसको यहाँ पे प्रेस करेंगे तो हमारे समोसे की कोन बन जाएगी। और इसके अंदर आपने मलाई बोटी की स्टफिंग करनी है। और इसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है। आप चाहें तो ये पहले छोटी वाली नोक को
बंद करके इसको सिक्योर कर लें और फिर बड़ी वाली नोक को इस तरीके से फोल्ड करके इधर अंदर की तरफ फोल्ड कर दें। तो कितनी आसानी से हमारा समोसा हो गया तैयार। इसी तरह बाकी समोसे भी तैयार कर लेंगे। मैदे का पेस्ट लेना है और एल शेप में अप्लाई करना है और फिर एक नोक उठाकर आपने ऊपर की तरफ इस तरह लगानी है कि ऊपर कोन बन जाए और फिर इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और ये देखें कोन बन गई हमारी इस तरीके से। और अब इसके अंदर फिलिंग कर देते हैं। फिलिंग करने के बाद ऊपर की तरफ भी मैदे का पेस्ट अप्लाई करेंगे और इसको अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करके इसके किनारे भी सिक्योर करके बंद कर देंगे। इसी तरीके से सारे समोसे हमने तैयार कर लिए हैं। इसको भी आप स्टोर कर सकते हैं महीनों के लिए फ्रीज करके किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या पॉली बैग में रख के। समोसों को भी हम डीप फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे, लेकिन ये रोल से थोड़ा जल्दी फ्राई हो जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं और भी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो समोसे अच्छे गोल्डन फ्राई हो गए हैं, अब इन्हें निकाल लेते हैं। तो आप भी ट्राई करें, रेसिपी बहुत ही ईजी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और आपको भी यकीनन बहुत पसंद आएगी। तो ट्राई करें, इन्जॉय करें। तो मिलते हैं आपसे किसी और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल।